वहीं पंथक संकट से घिरा शिरोमणि अकाली दल चार सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगा। ये फैसला आज पार्टी की वर्किंग कमेटी और जिला प्रधानों की मीटिंग में लिया गया। करीब दो घंटे तक मीटिंग में इस मुद्दे पर मंथन चला, जिसके बाद ये फैसला हुआ। पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। हालांकि SGPC के प्रधान पद चुनाव में पार्टी शामिल होगी। उन्होंने कहा है कि हम श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश का हमेशा पालन करते हैं। 30 अगस्त प्रधान को तनखैया घोषित किया गया। 31 तारीख को वह श्री अकाल तख्त साहिब पर हाजिर हो गए थे, लेकिन समय काफी निकल गया था। कई बार सिंह साहिब को बेनती की गई फैसला सुनाया जाए, लेकिन अब चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। लोग चाहते थे कि गिद्दड़बाहा हलके से प्रधान सुखबीर सिंह बादल चुनाव लड़े। असी फैसला लिया कि श्रोमणी अकाली दल जरा वडेरे पंथक हितों भुख रखद हो और पंथक जड़िया साड़िया संस्थावान ने उसकी मान मर्यादा कायम रखद हो असी इन चोणा जड़िया चार जिमनी चोणा ये अपने आप को चोणों तो बाहर रखा। ये अज का साडा सारा मीटिंग का फैसला, क्योंकि कुदरती गल है जो इलैक्शन नहीं लड़ती पार्टी कुछ नुकसान होंगे, पर साडे वास्ते वो नुकसान असी अकाल पुरख की रजा विच रहिंदे होए वो झलांगे, पर असी जिहड़ा वो हुक्म तो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जदों प्रधान साहब जिन्हां ने जिहड़ी है पार्टी नूं लीड देनी हुंदी है ते प्रधान जिहड़ा ना होवे ते फिर कुदरती गल हुंदी है कि पार्टी वास्ते बहुत इन्हां चोणां दे विच बड़ियां वड्डियां चुनौतियां हुंदियां। सो सारिआं ने सर्वसंमति दे नाल फैसला कीता। मैं सारी पार्टी का पूरी वर्किंग कमेटी का भी सारे जिला जथेदार साहबान का भी सारे हलका इंचार्ज साहबान का भी तय दिल तो धन्यवाद करता, क्योंकि आस सानू भी यही होती। सर पंजाब की चार विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अकाली दल की आज वर्किंग कमेटी की बैठक थी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दलजीत चीमा। सर आज जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और जो उपचुनाव होने हैं चार विधानसभा सीटों पर उनको लेकर क्या फैसला लिया गया है? देखिए आज हमारी वर्किंग कमेटी की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स हैं और हल्का इंचार्ज उनकी मीटिंग थी और लंबे विचार वटांदरे के बाद जो आदेश जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का कल आया था कि सरदार सुखबीर सिंह बादल चुनाव में प्रचार नहीं कर सकते, उसके ऊपर बड़ी विचार चर्चा हुई और सारी पार्टी महसूस करती है कि जो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने जिम्मेवारी ली है वो पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ली है, कोई उनका निजी फॉल्ट नहीं था। चाहे सरकार है चाहे पार्टी है, जितने भी फैसले होते थे सारे कलेक्टिवली होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर वो चुनाव में नहीं जा पा रहे तो हमें भी जो है सोचना चाहिए कि एथिकली ये हमारे ऊपर भी लागू होता। तो उसी बात को लेकर के हमने हमारे अकाल तख्त का हुक्म हम हमेशा ही मानते हैं, संस्थाओं का जो सम्मान है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए चार जो चुनाव हैं इससे हम बाहर रहेंगे। कोई बात नहीं, चुनाव फिर आएंगे फिर पार्टी लड़ती रहेगी। सर श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से कहा गया था कि सुखबीर बादल हैं सिर्फ वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, पार्टी चुनाव लड़ सकेगी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। कहीं ना कहीं अगर सुखबीर बादल की बात की जाए तो क्या सुखबीर बादल की तरफ से चुनाव लड़ा जाना था और वो नहीं लड़ पा रहे, यही कारण रहा? नहीं, यही कारण है क्योंकि जब अध्यक्ष नहीं लड़ पा रहा तो दूसरे भी महसूस करते हैं कि अध्यक्ष के जो है जिम्मेवारी है उसने हमारी जिम्मेवारी ली है, तो फिर एथिकली हमें भी उनके साथ ही रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हुक्म है संस्था का, नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर दलजीत चीमा, जिन्होंने कहा कि पंजाब की चार विधानसभाओं पर जो उपचुनाव होने हैं उनमें जो शिरोमणि अकाली दल है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। कैमरामैन हरजिंदर के साथ सज्जन चौधरी, MH1 न्यूज़ चंडीगढ़।